अर्जुन सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन अर्जुन का आपको भी थैंक यू न्यू सॉन्ग आ रहा है और लास्ट टाइम भी सब हिट्स है क्या न्यू सॉन्ग आया है जिसने भी गाना देखा है और शेयर किया है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ Yes, I'm very thrilled to be part of the song and I hope you guys are sharing it. Share. The song is based on the whole HDFC Life's campaign of Sarutake Jio. It was composed by Arjun and co-sung by both of us. And it's really propelling the message forward of our youth being young and responsible and being proud of working hard to plan for our futures. And I think that's something we both are really strong supporters of. जैसे यूथ को कैसे देखते हैं कि हम यंग एंड रेकलेस हैं वो गाने उसके बारे में है कि एक्चुअली आजकल के यूथ को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है आगे आगे बढ़ने के लिए लाइफ में और प्लानिंग करना पड़ता है हाँ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड प्लानिंग करना पड़ता है तो गाना उसके बारे में है और एंड इट्स अ मोटिवेशनल सॉन्ग अबाउट दैट प्रेशर तो नहीं था लेकिन बहुत मजा आया बनाते हुए आई थिंक दैट इट इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग लाइक यू सेड तो अलग गाने में ऑलवेज थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन हो करना पड़ता है पहले और तो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम लोग ये गाने पे आए और आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल वर्कड ऑन द सॉन्ग एंड आई वांट टू से थैंक यू टू देम एंड आई थिंक वी बोथ आर साउंडिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट इन द सॉन्ग सो जोनी तो आप किस तरह एग्री हुए इस सॉन्ग के लिए प्लीज जोनीता प्लीज सिंग इट मैंने सुना कि अर्जुन कंपोज कर रहा है देयर आई वाज लाइक या ओके आई विल डू इट No, but I was really excited. My first time working on his song, his own composition. So I was really excited about that. And there was nothing to say no about. I don't know. It was an easy yes. Fist bump. Yeah. मैंने भी मेरा करियर एक्चुअली काफी तो मैंने भी अपना करियर एक्चुअली बहुत यंग एज से शुरू किया था आई वॉज ओनली 18 ईयर्स उन्होंने स्टार्टेड और जब मैंने शुरू की थी तो मेरे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं थी म्यूज़िक में और मेरे फैमिली में भी कोई म्यूज़िक नहीं कर रहा था तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स तो हुए थे वो टाइम पे आई वॉज इन कॉलेज मेरा एक स्टूडियो मैंने खोला था लोन लिया था बैंक से तो ये सब करते करते मैं इट वॉज़ वेरी टायरिंग इट वॉज लाइक आई वुड नेवर स्लीप और पहले 3 साल तो बहुत हार्डवर्क करना पड़ा और जब उसके बाद मुझे चांस मिला आशा जी के बैंड में आशा भोसले जी की बैंड में बजाने का तो वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई और उस टाइम से मुझे एक भी दिन मुझे नहीं लगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ the downs, how you deal with it. And I think being on my own in Bombay has taught me a lot. Moved here, I think 6 years back. And since then, I think every day is a learning experience. And with that, I keep going forward. So for the first time, when you were singing with Asa ma'am, first time you said, so today, you take some suggestions from them, or you talk about them today? कभी कभार हो जाती है जब भी मेरा गाना रिलीज होता है तो उनको मैं ज़रूर भेजता हूँ उनसे पूछता कभी कभी वो रिप्लाई करते हैं काफ़ी बिजी हैं वो भी तो आई थिंक दैट जब भी रिप्लाई आता है उनका तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इतने सालों बाद भी उनके साथ टच में रहना बहुत आई फील वेरी हैप्पी टू बी या इट फील्स वेरी गुड टू बी एसोसिएटेड विद हर इन एनी वे एंड शी इज़ अ लेजेंड उनके जैसे मतलब कोई है ही नहीं इन इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड वेरी फ्यू पीपल हैव रादर सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी एसोसिएट विद हर नहीं ऐसी बात नहीं आई थिंक द गाइज वो आर सीरियस जो एक्चुअली कर रहे हैं म्यूजिक के लिए वो ही आगे बढ़ने मतलब टाइम लगता है सबको ओवरनाइट कोई भी सक्सेस बनता नहीं है एक गाने से बनता नहीं है तो और ये मुझे सीखना पड़ा मेरे खुद के गानों से तो आई फेल्ट लाइक माई फर्स्ट सॉन्ग वॉज अ बिग हिट और मुझे लगा कि हाँ अभी मेरा करियर हो गया लेकिन मुझे बहुत उसके बाद भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ा तो जो एक्चुअली सीरियस सिंगर्स है और वो 5% भी नहीं होंगे पूरे सिंगर से दोज गाइज आर ऑलवेज द गाइज हु मेक इट कॉम्पिटिशन की तो बात ही नहीं है आई थिंक दैट पीपल मेक गुड म्यूजिक वो और कम होते जा रहे हैं आई फील सो
Yeah, definitely competition is everywhere, and to stand out has become more difficult. But I think those who are serious worth it, about they it, do yeah. stand out. Yeah. Because there's a lot of supply, but there's also a lot of demand, and there's a space for everybody in the industry, I feel. मुझे लग रहा है कि काम भी और बहुत ज़्यादा हो रहा है पहले से तो और गाने भी बन रहे हैं तो सबके लिए जगह है ऐसे नहीं है कि इतने गाने बन रहे हैं तो अर्जुन आई होप आप फैंस के मैसेजेस भी पढ़ते होंगे जो कि आज बहुत ज़्यादा ये कॉमन मैसेज हो गया है कि आप एज ए एक्टर कभी आ रहे हैं तो क्या क्या कुछ तो मैंने एक्चुअली ये साल में दो दो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए थे एक मैं एक फिल्म आया था मेरा जलेबी करके जिसमें मेरा एक स्पेशल अपीयरेंस था और एक शो है ईरोस नाउ पे वेब शो जिसका नाम है साइड हीरो और उसमें मेरा एक अच्छा रोल है तो अगर आपको दो टाइम मिले तो प्लीज़ दोनों चेकआउट कर लीजिए सो जरा हमें दो लाइन सुना अपने सॉन्ग के चलो व्हाई डोंट यू डू इट फर्स्ट हिम्मत से सर उठा के जब तोड़े है तारे सर उठा के रुख मोड़े है सारे सर उठा के जियो और जीते जा अब थोड़ा सर उठा के अब जश्न मना रे सर उठा के बस आंख मिला रे सर उठा के जियो और जीते जा थैंक यू मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अगला जो गाना आ रहा है दिसंबर में प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अगले साल और अभी नवंबर और सॉरी नवंबर है इट्स क्वाइट इट्स ऑलरेडी द एंड ऑफ द ईयर बट यस सून यू विल बी एबल टू सी अ लॉट मोर सॉन्ग्स ऑफ मी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट लाइक ऑलवेज आई लव यू गाइस एंड सर उठाके जियो लव यू गाइस यस एवरीबॉडी बी प्राउड ऑफ योर व्हाटएवर इट इज दैट यू आर वर्किंग ऑन एंड आई विश एवरीवन द बेस्ट Please check out all of our updates. We always have new music coming out. Absolutely. I just released a single called Tajub Hai. Check that out as well. Check out Saru Papi Jio, the anthem, and sing along. Thank you so much. Thank you. Good luck.